शांति आज हम आपको सृष्टि चक्र के बारे में बताएंगे आप जनरली हम अपने घर में क्या करते हैं जब हमारा कोई पूजा होती है या कोई ऐसा त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं कि आपने स्वास्थिका के बारे में सुना होगा ना स्वास्थिका बनाते हैं ना तो वो स्वास्तिका पूजा में बनाते हैं पूजा करते समय और जो मंदिर होता है या घर होता है उसके दोनों दरवाजों पर भी हम जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो स्वास्तिका बनाते हैं स्वास्तिका में आपने देखा होगा चार भाग होते हैं हम स्वास्तिका बनाते हैं लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं पता कि हम ये क्यों बनाते हैं अब मैं आपको अपने बारे में ही बताती हूँ जब मेरी मदर वो स्वास्थ्य बना रही थी एक बार तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आप ये ये क्या है ये क्यों बनाते हैं तो उनसे उत्तर मिला कि ये शुभ की चीज़ है तो जब लक्ष्मी पूजन होता है या कोई भी पूजा करते हैं तो पहले स्वास्थिका बनाते हैं उसके बाद पूजा वहाँ पर शुरू करते हैं तो मैंने भी फिर बस कहा कि शुभ की चीज़ है तो तब मेरे मन में भी प्रश्न चला कि इसका मायने क्या होते हैं लेकिन आज उसका उत्तर उसका मीनिंग समझ आया वो मैं आपको आपके सामने बता रही हूँ आपने स्वास्थिका में देखा होगा चार भाग होते हैं और उन चारों भागों को अगर हम जोड़ दे तो एक सर्कल बन जाता है ना एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल के चार भाग बराबर बराबर भाग हो जाएंगे तो वो चार भाग क्या है पहला जहां बारह की सुई होती है ना टॉप पर वहां से जो पहला भाग है बारह से तीन तक जो तीन की सुई आती है बारह से तीन तक वो जो पोर्शन है वो है सत्युग और फिर दूसरा जो भाग होता है जहाँ तीन की सुई से 6 की सुई तक हम आते हैं वो जो पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन वो है त्रेतायुग फिर हम अगला जो तीसरा पोर्शन है जहाँ छः की सुई से हम नौ की सुई पर पहुँचते हैं वो जो पोर्शन है वो है द्वापर युग और बाकी जो नौ की सुई से फिर वापस हम बारह की सुई पर जाते हैं बारह बजे पर जाते हैं तो वो जो पोर्शन है चौथा भाग वो है हमारा कलयुग तो जो चार भाग उस सर्कल में उस स्वास्तिका में जो चार बराबर भाग में बटी हुई है उसके चार युग को दर्शाते हैं पहला युग है सत्युग दूसरा युग है त्रेता युग तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग तो इस समय हम कहाँ बैठे हैं कौन से युग में हैं? हम सभी जानते हैं हम कलयुग में हैं और कलयुग जब अति में जाता है घोर कलयुग ये समय कौन सा चल रहा है घोर कलयुग ही चल रहा है ना जैसी जैसी समस्याएं वर्तमान परिस्थितियां हम देख रहे हैं तो विनाश का कार्य महामारी का आगमन पूरे विश्व में हिला देने वाला है और साथ साथ युद्ध स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं कहीं भी किसी भी देश से कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है तो यह है कलयुग के अंत की निशानियां तो यह है घोर कलयुग और आप जानते हैं अति कलयुग के बाद घोर कलयुग के बाद क्या होता है अंत मतलब उस समय सृष्टि का पूरा सर्कल पूरा हो जाता है सृष्टि की आदि माने शुरुआत होती है सतयुग से सत्य में अब आप हम ये बताएंगे आपको कि हम देखिए अभी हम अपने हम कितना अपने को जानते हैं जब से मेरा जन्म हुआ और आज तक मुझे अपने बारे में ज्ञान है कि मैं कौन हूँ कैसे मैंने अपना जीवन जिया है लेकिन उससे पहले मैं कितने जन्म में लिए हूँ कैसे जन्म लिए हूँ कहाँ जन्म लिए हूँ ये मुझे नहीं पता और आने वाले समय में क्या जन्म मैं लूंगी कहाँ कहाँ लूंगी कितने जन्म लूंगी ये हमें किसी भी मनुष्य को नहीं पता कोई भी इस धरती पर इस बारे में नहीं जानता तो फिर सत्युग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि चार युग होते हैं लेकिन जब कलयुग का अंत समय होता है परमात्मा का आगमन मैंने आपको क्लास में बताया कि भगवान का आगमन कलयुग के अंत समय में होता है और ये कलयुग का अंत समय हो चुका है क्योंकि कलयुग का परिवर्तन सत्युग में होना है मतलब भगवान को इस धरती पर आना होता है जब घोर कलयुग होता है जब सभी आत्माएं दुखी व्याकुल बीमार असहाय भटक जाती हैं और अति घोर दुख इस दुनिया में होता है और हर आत्मा पतित होती है उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और फिर नए धर्म की स्थापना करते हैं नई दुनिया की स्थापना करते हैं जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो जो सत्युग में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना किया तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई सत्युग से तो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है आदि होती है वो परफेक्ट होती है तो ये सत्युग की दुनिया परफेक्ट दुनिया जिसमें हंड्रेड परसेंट सुख शांति और सम्पन्नता होती है दुख का नामो निशान नहीं होता हर मनुष्य देवी देवता रूप में होते हैं वहाँ इसीलिए नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म वहाँ देवी देवताओं का ही राज्य होता है तो इतनी सुंदर दुनिया इस समय तो हम उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं क्या ऐसी दुनिया होती है जिसके बारे में हम किताबों में बोलते हैं बैकुंठ पैराडाइज स्वर्ग तो वो देवी देवताओं की दुनिया इस समय कलयुग घोर कलयुग है इस दुनिया को हम क्या देवी दुनिया कह सकते हैं नहीं ये है आसुरी दुनिया और सुर माने देवता असुर माने जब हम ही दानव के रूप में हो जाते हैं हम ही एक दूसरे की हिंसा करने लगते हैं उस दुनिया को आसुरी दुनिया कहते हैं तो ये कौन सी दुनिया है आसुरी दुनिया और सुर माने देवता तो देवी देवताओं की दुनिया तो इस समय इस दुनिया को बदल देवी देव देवी देवताओं की दुनिया बनाना क्या ये किसी मनुष्य के लिए संभव है कोई भी मनुष्य या कितने भी मनुष्य मिल जाएं, हम बच्चों की हम मनुष्यों की बुद्धि में ऐसा कुछ सोच ही नहीं है ऐसी समझ ही नहीं है कि हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं तो असंभव कार्य को जो हम नहीं कर सकते उस कार्य को करने के लिए और सत्य को ये है झूठ की दुनिया अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज सुबह सुबह उठकर आप अपने से प्रॉमिस करो कि मैं पूरा दिन झूठ नहीं बोलूंगी, तो क्या आप क्या सोचेंगे नहीं ये तो संभव नहीं ना चाहते हुए भी हमें कभी न कभी झूठ बोलना पड़ता है तो इसको हम झूठ की दुनिया कह सकते हैं ना इस झूठ की दुनिया को सच की दुनिया सत्य की दुनिया में बदलने के लिए भगवान परमात्मा के सिवाय और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता ये है महापरिवर्तन इस महापरिवर्तन को करने के लिए महाशक्ति ऑल माइटी परम पिता परमात्मा शिव को अपने धाम ऊपर से छोड़कर खुद नीचे आना होता है और तब वो इस कार्य को इस धरा पर करते हैं तो ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये गॉडली यूनिवर्सिटी भी है गॉडली हॉस्पिटल भी है इसमें हर कार्य ईश्वर की डायरेक्शन पर होता है इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मतलब ये पूरे विश्व में फैला हुआ है हमारी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेंटर्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं चार हज़ार से ज़्यादा सेंटर्स हो चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में पूरी दुनिया में ये सेंटर्स खोले हुए हैं और ईश्वरीय ज्ञान हर सेंटर्स में दिया जाता है मतलब इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आए जब घोर जब सृष्टि अंत होती है एंड होने वाला होता है उस एंड होने से पहले मतलब कलयुग के खत्म होने से पहले परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं कैसे होते हैं जो मैंने आपको बताया कि एक महा अलौकिक दिव्य महापुरुष के तन में वो महाज्योत महाशक्ति प्रवेश करती है और उसको अपना माध्यम बनाकर उनके मुख के माध्यम से वो हमसे अपना सत्य ज्ञान हमें देते हैं और उस सत्य ज्ञान को सुनकर हम अपने में परिवर्तन करते हैं और हम पतित आत्माओं को वो अपनी शक्ति के द्वारा पावन बनाते हैं हमें वो सत्य ज्ञान और वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम आत्माएं पावन बनती हैं और सत्य मार्ग को जानती हैं कि सत्य मार्ग है क्या तो इस समय कलयुग के अंत में परमात्मा आकर एक दिव्य अलौकिक महापुरुष जिनका नाम है लौकिक नाम ब्रह्मा दादा लेखराज और अलौकिक दिव्य नाम ब्रह्मा जिनके माध्यम से परमात्मा इस सृष्टि पर विश्व परिवर्तन का कार्य युग परिवर्तन का कार्य कलयुग को सत्ययुग में बनाने के लिए मतलब झूठ की दुनिया को सत्य की दुनिया में परिवर्तन करने का कार्य ईश्वर के द्वारा इस संस्था के माध्यम से चल रहा है इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो हम सभी जो इस संस्था में जुड़े हैं वो ज्ञान और परमात्मा से योग लगाकर शक्ति लेकर अपने को पावन बनाते हैं सत्य मार्ग पर चलते हैं उनके नियमों का आचरण करते हैं और हम ही फिर पावन बनते हैं तो ये ईश्वरीय कार्य इस संस्था के द्वारा ईश्वरीय कार्य चल रहा है जिसमें कलयुग को सत्युग में परिवर्तन करना है ये शक्ति परमात्मा के अलावा और किसी में नहीं है तो परमात्मा का कार्य कलयुग को सत्युग में बनाना सुख को दुख को समाप्त कर सुख की दुनिया लाना है तो ये इस संस्था के द्वारा ईश्वर अपना कार्य कर रहे हैं ओम शांति